जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्सर 180 CC का गियर बॉक्स है, तो पूरा असेंबल है। तो कैसे फिटिंग करना है इस वीडियो में बता दूंगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहो। ओके गाइस, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। इस चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर बॉक्स है, तो इसको भी डीजल से वॉश है, तो हल्का सा तेल है, तो इसको भी चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, तो ये है आपका आउटपुट शाफ्ट। तो आउटपुट शाफ्ट मैं पूरा खोल दिया, तो ये खुलने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लॉक है। तो आप ज़रूरत होगा तो इसको खुलना पड़ेगा, नहीं तो इसे रहना दो। तो आपका इंजन जब आप रिप्लेसमेंट करेगा तो आप कोई भी पार्ट वाशर गिर जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे वाशर लगेगा, कहाँ पे मैंने पिनियम था, तो मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कौन चीज़ लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए चीज़ है और ए चीज़, तो आप इसको लगा देगा तो इस तरीके से लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें इस तरफ आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए आप इस तरफ लगा देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरफ लगा देगा, इसका ऊपर में आता है एक गियर, तो यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, तो इस तरफ बूट आता है यहाँ पे एक, और यहाँ पे होल रहता है। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे भी होल है, तो इसको मैच करके यहाँ पे बैठा देना है। बैठाने के बाद ये चैन उस पर लगेगा जो बड़ा वाला रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ गड्ढा है, इस तरफ प्लेन है, हल्का गड्ढा है, तो जिधर बहुत ज़्यादा गड्ढा है तो इस तरफ अंदर चला जाएगा इस तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ पे लगा देना है। आप देख सकते हैं इसको लगा दिया, लगाने के बाद यहाँ पे आपका देख सकते हैं गियर नहीं लग रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको पूरा मैंने लगा दिया लेकिन यहाँ पे गियर नहीं लग रहा है, इसलिए इसको खुलने खुलने के बाद इसको उसको खुलने के बाद इस तरफ लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों टीथ है, तीनों टीथ पे यहाँ पे सिक्स टीथ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको इस तरफ आपको लगा देना है। अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी गियर काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसको लगा देता हूँ, यहाँ पे दिख लगेगा, तो इसको लगा यहाँ पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं अभी गियर का काम कर रहा है, आप देख सकते हैं अभी नहीं घूम रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आउटपुट से आप फिटिंग हो गया। तो यहाँ पे एक वाशर आता है, आपको दिखा देता हूँ, तो दोनों वाशर लगता है, एक जाता है आउटपुट में, एक जाता है इनपुट में, तो दोनों वाशर है। तो मान लीजिए इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लगेगा और दोनों वाशर सेम है, हल्का सा ये जो बड़ा वाला वाशर रहता है तो इसमें जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरफ इसको लगा दिया, लगाने के बाद इसका फिटिंग हो गया। तो अभी इनपुट शाफ्ट, तो इनपुट शाफ्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा रहता है ऑलरेडी, तो आपको खुलने की ज़रूरत नहीं होगा। आप मान लीजिए किसी पिनियम टूट गए हैं तभी आपको खुलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रहने दो। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका पिनियम कोई भी गिर जाएगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको समझा देता हूँ किस तरह फिटिंग करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गियर बचा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे थ्री का गियर है, देख सकते हैं। ओके गाइस, तो इसको आप देख सकते हैं इस तरफ लगेगा, इस तरफ। ओके फ्रेंड्स, इस तरफ लग जाएगा तो आपका गियर लगेगा, तो एक फ्री घूमने वाला है, आप देख सकते हैं फ्री घूमने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक वाशर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इस तरफ वाशर आता है, तो इसको यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद इस गियर को यहाँ पे लगा देना है। आप देख सकते हैं इस तरफ आता है। ओके गाइस, तो इस तरफ गियर काम करता है। ओके, तो इसमें लगा दिया, लगाने के बाद का ऊपर एक पुनियम आता है छोटा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वाशर नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये गियर लगेगा, तो इसको यहाँ पे बैठा दिया। बैठाने के बाद आप इधर भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एक वाशर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाशर का निशान है, तो ये इस तरफ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका फिटिंग हो गया ऑलरेडी, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ किस तरफ लगाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है आउटपुट शाफ्ट, ये है इनपुट शाफ्ट, तो इसको किस तरफ लगाना है वो भी बता देता हूँ। तो किस तरफ लगेगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हाथ में, आप देख सकते हैं इस तरफ लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरफ लगाने के बाद इंजन चैम्बर में बैठा देना है इसको इस तरह से, तो आपको बैठा के दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस आपको समझ में आ गया किस तरह गियर बॉक्स फिटिंग करना है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दो, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह वीडियो देखने के लिए।